राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे एक पैर में दर्द, कमर में दर्द। तो देखिए, ये जो दिक्कत है वैसे तो कोई गंभीर दिक्कत नहीं है। होता क्या है, कमर में से नस दबती है, कोई नब्ज जो है, नाड़ी है, वो दबाव में आती है, उसकी वजह से एक पूरा पैर दर्द होता है। तो 99% यही चांस होता है। और किसी किसी की जैसे ब्लॉक होती है नाड़ी, खून नहीं सही से चलता या कहीं ना कहीं जमाव हो जाता है खून का, उसकी वजह से भी यदि कमर में ये दिक्कत है तो पूरा पैर दर्द करता है। क्योंकि पैर जो है ना, उनका जॉइंट कमर में होता है, मनकों के साथ अटैच होता है, रीढ़ की हड्डी जो है उसके बिल्कुल जस्ट नीचे पैरों का जॉइंट और नब्ज होती है। तो उनमें कहीं दिक्कत होने पर कई बार पैर में दर्द होता है। कई बार क्या होता है, कैल्शियम की कमी से भी ये, देखिए कैल्शियम की कमी से तो इसमें मैं बोलूंगी सिर्फ 1-2% चांस होता है। उसमें भी क्या होगा कि घुटना दर्द हुआ, जॉइंट पैर के दर्द हुए, वो चाहे फिर एक पैर का हो चाहे फिर दोनों के हो, जैसे घुटना हुआ, टखना हुआ, जो भी जॉइंट दर्द कर रहे हैं, उनमें भी दो चांस होते हैं। एक तो गठिया का चांस हो सकता है, क्योंकि गठिया जब शुरुआती स्टेज होती है तो पूरे शरीर के जॉइंट्स दर्द नहीं करते, कहीं एक जगह दो जगह दर्द आता है, वो कारण हो सकता है, या फिर कैल्शियम की कमी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सबसे पहले रोग की जांच करवाएं कि किस कारण से हो रहा है। और इसमें देखा गया है कि 1-2% चांस होता है जब कमर के साथ पैर में दर्द हो, तो यदि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कहीं दिक्कत हो, 1-2% चांसेस कैंसर के मिल रहे हैं। घबराएं नहीं, मैं ईश्वर से फिर से कामना करती हूँ ये रोग किसी को ना हो, लेकिन हमें जांच पूरी प्रॉपर करवानी चाहिए, चाहे वो MRI के थ्रू हो, अल्ट्रासाउंड के थ्रू हो, सोनोग्राफी के थ्रू हो, जैसे भी संभव हो आप पूरी जांच लें कि रोग क्या है, असल में नब्ज दब रही है या नाड़ की ब्लॉकेज है या कैल्शियम की कमी है या कहीं और दिक्कत है। तो उनका पूरा प्रॉपर पहले पता करें, जल्दी करें, देरी ना करें इस चीज में। कुछ लोग क्या होते हैं, वीकनेस की वजह से कई बार दर्द होता है, स्टार्टिंग में कम होता है फिर बढ़ता जाता है, और बढ़ती उम्र के साथ 50-60 के हैं तो बोलते हैं कि बुढ़ापे का दर्द है, इसको ढील में रख देते हैं। ये ना करें, क्योंकि आजकल देख के चलो कमजोरी सभी में है। तो कमजोरी के कारण क्या है, पूरा आजकल नौजवानों को हो रही है दिक्कत, 25-30 साल के बच्चों में ही दिक्कत आ रही है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो ये होने के जो कारण है वो तो मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, कुछ एक तो खान पान, कुछ एक रहन सहन, सभी चीजें। तो इनको यदि हमें प्रॉपर ठीक करना है ना, तो शरीर को सिर्फ 15 मिनट देनी स्टार्ट कर दें, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, तीनों प्राणायाम यदि आप 5-5 मिनट करते हैं तो बॉडी खुद सभी चीजें जनरेट करती है, एक तरह बोलूं तो बैलेंस करके रखती है सभी चीजें। कोलेस्ट्रॉल है तो उसको बैलेंस करके रखेगी, विटामिन डी, कैल्शियम खुद बनाएगी, थोड़ी बॉडी की मसाज जरूरी है, थोड़ी धूप जरूरी है, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें, प्रकृति से जुड़े रहें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, लेकिन आपकी जांच होनी बहुत जरूरी है। तो ये जो यदि नब्ज दब रही है ना, इसकी बात मैं कर रही थी आज, तो ये केवल और केवल एक्सरसाइज से ठीक होगी, और बार बार न दबे। एक तो कारण क्या है, यदि इसका भी हम मुख्य कारण देखें ना कि नब्ज दबने का मुख्य कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको कैल्शियम की कमी मिलेगी। हड्डियों और मांसपेशियों की जब शिकायत हो रही है, क्यों दब रही है, चलने में सही चल रही, कई बार तो कल चलने की दिक्कत हो जाती है किसी को, तो कोई एक पैर पे वजन दे के खड़ता है, कोई चलता है तो एक पैर को ज्यादा दबाता है, या पंजों को बाहर की तरफ रख के चलना, ये सब खराब चाल और शरीर को खराब करती है। लेकिन कहीं ना कहीं वीकनेस का यदि देखें तो कैल्शियम की कमी हो सकती है। उसका बहुत ही सिंपल उपचार है, आप सब भी कर सकते हैं, कोई नुकसान है, पथरी वाले तो ना करें। आप जो ये चूना है इसको शुद्ध किया हुआ पान वाले से ले लें, घर पे शुद्ध कर सकते हैं,
तो उसको थोड़ा सा चने के दाने के बराबर चम्मच पे लेके दो चार बूंद पानी लेके पहले तो चम्मच पे अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें, फिर उसको मटका या जिस भी पात्र में सभी घर के पानी पी रहे हैं उसमें डाल दें आप, तो सभी को कैल्शियम मिलेगी। पानी एक ऐसी चीज है जो खून के साथ साथ हड्डियों तक भी जाती है, और आप फिर जितने भी बार पानी पियेंगे वो कैल्शियम आपके शरीर में जाएगी। यदि आप 2 महीने कंटिन्यू करते हैं तो वीकनेस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, 90% तक आपको वात के रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत अच्छी चीजें हैं, नॉन कैंसरस गांठ को खत्म कर देता है ये चूना। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी होगी। वो कौन सी एक्सरसाइज होंगी, तो कमर दर्द के लिए सभी बहुत लोग बताते हैं, वो आप देख के कर सकते हैं या किसी से आप पूछ लें भी कौन सी एक्सरसाइज करनी है। होती तो इसमें मैं आपको बोल के तो बता सकती हूँ इसमें करनी कौन सी होती है। पैरों को आप सीधे सो के फिर ऊपर उठाएं और एक घुटने को मोड़ के दोनों हाथों से पकड़ के अपनी छाती की ओर लाएं छोड़ें, ये है। एक सीधा पैर करें फिर वापिस उसको जैसे सो रहे हैं उस पोजिशन में करें, गोल गोल घुमाएं, दीवार के साथ पैर को लगा लें बिल्कुल, आप कमर को पैरों को बिल्कुल दीवार के ऊपर खड़ा कर लें, फिर पैर को धीरे धीरे नीचे करना है फिर वापिस ऐसे करना है। तो ये एक्सरसाइज है जिससे कमर की यदि नस दब रही है तो वो ठीक हो जाएगी। बाकी ये आपको रोग का जब पता चले तो हर बाजार में आजकल ये डॉक्टर हैं इसके, तो उनसे आप परामर्श ले सकते हैं। बात थी कैंसर की कि ये हो किसी को भी ना, और यदि किसी को है तो इसमें एक जो मैं बोलूं तो आपको बोला था जो भी रिसर्च वगैरह जो सामने आएगी आपके साथ शेयर करूंगी, तो उसमें एलोपैथिक भी ये मानने लगा है कि जो कैंसर के कीटाणु हैं वो चीनी जो ग्लूकोज है उससे अट्रैक्ट होता है, और ये जो आयुर्वेदिक चीजें जैसे लहसुन है इससे डिस्ट्रैक्ट होता है। बोले तो इसको जो एल्कलाइन चीजें हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट होता है। हिम्स के जो हॉस्पिटल हैं वो इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और 100% दे रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना, हल्का सा खानपान वो चेंज करते हैं। खानपान कैसे, ग्लूकोज बिल्कुल बंद कर दी, जैसे कनक चावल ये चीजें, चीनी तो बिल्कुल करनी ही करनी है, उसकी जगह मिलेट्स देते हैं, और जो पत्ते हैं हर तरह के बरगद के पीपल के पान के तुलसी के पुदीने के इनका जूस बना के मरीज को देते हैं। ज्वारों के सबसे ज्यादा अच्छे, तो होता क्या है एक बार के लिए वो जर्म्स रुकते हैं और फिर यू टर्न लेके बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा उनका रिजल्ट भी है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो मिल सकते हैं उनसे, वो झट से आपकी एलोपैथिक दवाइयां बंद नहीं करेंगे। किसी के जानने माने में आपके किसी जानकार को यदि आपने सुना है तो सजेस्ट कर सकते हैं कि आप एक बार जाके जरूर मिलें, तो इस रोग का जड़ से उपचार हो सकता है। तो प्राणायाम तो इसमें वो करवाते ही करवाते हैं, थोड़ा बहुत खान पान बदलते हैं, तो इससे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। बाकी कैंसर पे अलग से एक वीडियो रखूंगी, ये तो आपको पैर के नब्ज के साथ साथ बताया कि आपको रोग का पता होना चाहिए, क्योंकि इस रोग के बारे में 2 मरीज मेरे सामने आ चुके, पहले पैर में दर्द था रीढ़ की हड्डी में था, और उसके बाद पता चला रीढ़ की हड्डी से कैंसर स्टार्ट हुआ था। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज का कि ये रोग किसी को ना हो, और यदि हो तो अपने साहस के साथ काम लें, योगा खानपान का ध्यान रखें, अच्छे से ट्रीटमेंट हो, और मैं दुआ करती हूँ जड़ से खत्म हो जाए, हमेशा स्वस्थ रहे, कोई भी बीमार ना हो। इस पे अलग से मैं जो आपको थोड़ा बहुत तो शेयर किया है हिम्स का, बाकी और जितनी भी जानकारी इस अष्टांग हृदय में दी हुई है या गुरुजी की जो मुझे मैं जिनकी सिखलाई कर रही हूँ उनकी किताबों में जो है जितना बन पड़ेगा आपको बताऊंगी, लेकिन अपना ध्यान रखें, योगा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।